दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, सूरज गायब हो जाने की वजह से कुछ ही मिनटों में सारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे और चांद भी नहीं दिख पाएगा, क्योंकि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। फिर कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस तक चली जाएगी, जिससे कि सारा पानी बर्फ बन जाएगा। पानी के बर्फ बन जाने की वजह से इंटरनेट भी बंद हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेट के सारे ऑप्टिमल फाइबर केबल समुद्र के अंदर बिछाए होते हैं, लेकिन पानी के बर्फ बन जाने से सारा केबल नष्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। इसके चलते शाकाहारी जानवर भी धीरे धीरे मर जाएंगे। सारे आसमान के तारे भी अलग अलग तरह के दिखने लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी तैरते तैरते अंतरिक्ष में आगे निकल चुकी होगी। एक महीने बाद धरती पर तापमान -40 डिग्री से नीचे चला जाएगा और नीले रंग की पृथ्वी बर्फ की वजह से अंतरिक्ष में सफेद रंग की दिखने लगेगी। और एक दो महीने में ही पृथ्वी पर से मानव सहित सारे इंसानों का अस्तित्व मिट जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद सारे बिल्डिंग बर्फ से जम जाएगी, चारों तरफ बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टाने ही नजर आएगी। लेकिन बिना सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी तेजी से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही होगी, और संभव है कि वह गुरुत्वाकर्षण के कारण संपूर्ण पृथ्वी ब्लैक होल में समा जाएगी। कुछ ही सेकंड में सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, मतलब बिना सूरज के पृथ्वी कुछ ही महीनों में तबाह हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो।